बीते दिन मुंबई के वानखेड़े में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के तूफान में न्यूजीलैंड किधर उड़ गया पता भी नहीं चला। भारत वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को शानदार तरीके से शिकस्त दे दी है। जहां एक ओर बल्लेबाजी में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जलवा दिखाया, तो वहीं मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से कीवी टीम पर कहर बरपाया। शमी ने 57 रन देकर न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज दिया। उनकी इस घातक बॉलिंग का हर कोई मुरीद हो गया। यूपी पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर शमी की अपने अंदाज में तारीफ की। यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सेमीफाइनल को शमी फाइनल लिखा। वहीं दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया, मुंबई पुलिस हमें उम्मीद है कि आप लोग मोहम्मद शमी के जरिए आज किए गए हमले को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो वहीं मुंबई पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस के पोस्ट का तुरंत जवाब देते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं। यहां मुंबई पुलिस का इशारा मैच के हीरो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल की तरफ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल में भारत की जीत के 3 हीरो रहे। विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए अपने वनडे करियर का 50वां ऐतिहासिक शतक जड़ा, तो वहीं इसके बाद श्रेयस अय्यर ने तूफानी अंदाज में अपनी सेंचुरी पूरी करते हुए भारत के स्कोर को 397 रनों तक पहुंचाया। मोहम्मद शमी के क्या कहने, तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस काफी लाजवाब था। शमी को उनके सात विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड से भी नवाजा गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।